मुझे केक बहुत पसंद है। गाइस क्या आपको भी पसंद है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना झा चौधरीज किचन। गाइस आज हम कप केक तैयार करेंगे, वो भी बिस्किट से। यहाँ से हम इसका टेम्परेचर सेट करेंगे 180। रॉड हम नीचे और ऊपर दोनों जलाएंगे, तो मैंने इस पर सेट किया है। और इसे हम अब 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए सेट करके छोड़ देंगे। बिस्किट को ग्राइंड करने के बाद थोड़ा सा हम बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब मैंने थोड़ा सा गुनगुना दूध ले लिया है और इसमें लगभग 2-2 चम्मच हम डालेंगे और इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। बस ध्यान रखें कि एक बार में बहुत ज़्यादा मिल्क ना डालें, यह लूज़ हो जाएगा तो फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको शुरू से ही ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा मिल्क ही डालना है। इस तरह का थिकनेस हमें रखना है। आधा कप मिल्क लिया था और इसमें से आप देख सकते हैं इतना सा बचा है, यानी कि 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मिल्क लगा है। इसके के लिए हमें कुकीज़ कप चाहिए या फिर हम कुकीज़ ट्रे ले लेंगे, एक साथ हम बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एक पैकेट बिस्किट से बनाया है तो 5 से 6 कुकीज़ बनेगा और मेरे पास ये 2 ही है, तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसी का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले हम ट्रे को साफ़ करेंगे। ट्रे को साफ़ करने के बाद हम इसके ऊपर बटर पेपर लगा सकते हैं, जो कि बाज़ार में कुकीज़ के साइज का मिलता है। तो अगर हम इस पर बटर पेपर नहीं लगा रहे हैं तो इसके ऊपर हम घी अप्लाई करेंगे। घी लगाने के बाद थोड़ा सा मैदा लेंगे और इस पर छिड़केंगे। अब हम इस ट्रे में इस मिक्सचर को भरेंगे। थोड़ा जगह हम खाली रखेंगे। तीनों सांचे में मैंने डाल दिया है और अब ऊपर से हम थोड़ा सा चोको चिप्स डालेंगे। प्री हीट हो चुका है, मैंने इसमें स्टैंड डाल दिया है जो कि ऑलरेडी इसका है। अब हम इस ट्रे को उठाकर ओवन के अंदर रखेंगे। और फिर से हम 20 मिनट के लिए सेट करेंगे। 20 मिनट से पहले भी बीच में हम एक बार चेक करेंगे, फोक करके देखेंगे, और 20 मिनट के बाद भी हम चेक करेंगे। जब हमारा तैयार हो जाएगा तब हम इसको ऑफ करेंगे। यह तैयार हो चुका है, तो इसे हम वाओ देख सकते हैं बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है, कितना फ्लफी। मैंने इसे फोक करके भी देख लिया है, यह बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है।
ओक के साथ बिल्कुल भी मैदा नहीं निकल रहा है, इसका मतलब है कि यह तैयार हो चुका है। तो केक को अब हम डिमोल्ड करेंगे। डिमोल्ड करने से पहले मैंने थोड़ा चारों तरफ से हल्का हल्का छुटा दिया है और अब इसे डिमोल्ड करना बहुत ही आसान हो गया है। गाइस ध्यान रखें कि थोड़ा सा ठंडा होने दें, जैसे ही ओवन से निकलता है उसी वक्त आपको डिमोल्ड नहीं करना है, थोड़ा रुक कर करना है और इसके बाद इस तरह से आप डिमोल्ड करें। तो अब गाइस मैं आपको एक काट कर दिखाती हूँ कि यह कैसा बना है, कितना अच्छा बेक हुआ है और देखने में भी कितनी हॉट एंड चॉकलेटी दिख रही है। तो गाइस इस केक को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।